हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं वाटर प्यूरिफाइंग किट के बारे में। तो ऑनलाइन मैंने ये वाटर प्यूरिफाइंग किट मंगवाया था और ये किट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप भी इसका ऑन डेट प्राइस जानना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहला ये बॉक्स है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये सारे स्पेयर पार्ट्स वाटर प्यूरिफाइंग किट के अंदर आते हैं और इनको वन बाय वन इंस्टॉल करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ रहता है और ये पहला फिल्टर होता है जिससे होकर के पानी गुजरता है। तो इसको यहाँ से ओपन करने के बाद में इसमें इस तरीके का एक फिल्टर आता है और ये यहाँ पर अच्छे से इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर इस तरीके के एक ब्लू कलर की मिनरल कार्ट्रिज निकली है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं और इसको एक साल तक यूज किया जा सकता है। एक साल के बाद में इनको चेंज करना पड़ता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के काम आता है, मतलब कि यहाँ से होकर के पानी अंदर जाता है और यहाँ से निकलता है। तो इसके अंदर बहुत ही अल्ट्रा लेवल पर फिल्ट्रेशन पानी का हो जाता है और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उससे अलग हो जाते हैं। इसमें से होकर भी पानी यहाँ से एंटर और एग्जिट करेगा तो इसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस पानी में चले जाते हैं और पानी को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आरओ मेम्ब्रेन है और इसके अंदर भी ये फिल्ट्रेशन के एक स्टेप के अंदर काम करता है। इसको एग्जिट और एंट्री के लिए यहाँ पर दोनों होल्स इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट आया है इस किट के अंदर ये वाला टैप, ये एक कार्बन फिल्टर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो फिल्टर वाला पार्ट है वो है ये आरओ मेम्ब्रेन, ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करती है। सेडिमेंट फिल्टर है, वही फिल्ट्रेशन के काम में आता है। ये जो भी सेडिमेंट्स होते हैं जो हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं उनके लिए, उनको फिल्टर करने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे इस तरीके के इन एंड एग्जिट के लिए इस तरीके के डी लॉक्स हैं, एक टेफ्लॉन टेप है जो कि पानी के लीकेज को रोकता है और इस तरीके के लॉक्स दिए हुए हैं। साथ में हैं इस तरीके के वॉल्स इसके अंदर और यहाँ पर हमें एक 2 मीटर लंबा ये पाइप भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। हमने जिस किट की बात करी उसी कंपनी का कॉनवियो का वाटर प्यूरीफायर हमने कुछ दिनों पहले मंगवाया था और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान था। अच्छी खासी पैकेजिंग के अंदर ये हमारे पास पहुंचा और इसका प्राइस था 19,999 रुपये, लेकिन ये हमें बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस में 5,799 रुपये में मिला। और इसके साथ में इस तरीके से इसका आउटर फिल्टर आया था और इनलेट और आउटलेट का जो इसका पाइप है वो यहाँ पर आया था, टैप और जो TDS मीटर है वो है और साथ में कुछ डी लॉग्स हमें यहाँ पर मिले थे। और हम सबसे पहले इसका जो टैप है उसको अंदर, इसका जो टैंक है उसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए इसका आउटर पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमने इसे अलग कर लिया और इस तरीके से टैप में आगे पीछे 2 वॉल्स लगाए हुए हैं और उसको लगा करके टैप को हमने चेक कर लिया, पानी भर के चेक कर लिया कि इसमें कहीं पानी लीक तो नहीं हो रहा है। तो एकदम पहली बार में अच्छे से फिट हो गया। उसके बाद में हमने इसका जो ऊपर वाला बॉडी है वो इसके ऊपर लगा करके अच्छे से सारे स्क्रू टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद में इसका जो इनलेट और आउटलेट वाला पाइप है वो इसमें साइड में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में जो इसमें इनलेट वाला पाइप है उसको फिल्टर से कनेक्ट करके और फिल्टर का जो कनेक्शन है उसको वाटर सप्लाई से कनेक्ट किया और जो आउटलेट वाला पाइप है उसको हम निकलने के लिए, पानी जो ख़राब पानी है उसको निकलने के लिए बाहर की तरफ छोड़ दिया। जहाँ पर हमें कई बारी वाटर प्यूरीफायर लगाने वाले इंस्टॉलेशन के लिए या उसको ठीक करने के लिए कोई मिल नहीं पाता है, उसकी सर्विसिंग के लिए कोई मिल नहीं पाता है, तो हम यहाँ पर खुद से वाटर प्यूरीफायर को इंस्टॉल कर पाए। बहुत ईजी था ये सब करना। और आफ्टर सम टाइम इसका जो बाहर वाला फ़िल्टर है वो डिपेंड करता है पानी का क्वालिटी कैसा है आपके एरिया में, तो उसको चेक करते रहें और उसको चेंज करते रहें। और एक साल के बाद में जो मैंने इसका सबसे पहले इस वीडियो के अंदर किट के बारे में जिक्र किया है उसको एज़ इट इज़ उसमें फ़िट कर दें। जो चीज़ जहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग उसमें वहाँ पर उसको फिट कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलेट वाले पाइप से पानी आना स्टार्ट हो गया है। 4,000 रुपये का ये किट 1,899 रुपये की MRP पर अवेलेबल था।
वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।